तो गाइस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस ब्लॉग चैनल पे जिसका नाम है इट्स ब्लॉग विद आकाश। तो गाइस आज का मेरा ब्लॉग एक स्पेशल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं हम लोग इस समय कहाँ पे खड़े हैं। तो इस समय हम लोग खड़े हैं रसायनी स्टेशन, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम है रसायनी। यानी ये जो स्टेशन है ये स्टेशन मुंबई CST जो कि CST मुंबई है उधर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये एक आउट ऑफ एरिया है। और यहाँ पर मेरे को आने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग थी जिसका नाम है तार्जन डी वंडर कार जो कि 2006 में रिलीज हुई थी और ये मूवी उस टाइम तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन हमारे आपके और जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी बचपन के टाइम की वो फेवरेट मूवी रही है और आज के टाइम में ये मूवी काफ़ी बार TV पे आप सभी लोग देखते होंगे। तो इस लोकेशन पर जैसा कि आप लोग स्टेशन ये देख सकते हैं काफ़ी आउट एरिया में है और चारों तरफ पहाड़ है और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन काफ़ी मस्त है। और इस लोकेशन पर तार्जन डी वंडर कार मूवी की एक क्लिप यानी एक सीन थी वो यहाँ पर शूट की गई थी। और वो सीन कहाँ पे शूट की गई थी वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर एक बैरिडोर है, वहाँ से रेलों को ट्रैक करके पार करके सभी लोग जितने भी गाड़ी वाहन जाते हैं तो वहीं पर उस फिल्म यानी तार्जन डी वंडर कार फिल्म की शूटिंग की गई थी एक सीन की। तो चलिए हम और शुभम भैया चलते हैं वहाँ पर और आप सभी को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। तो गाइस फाइनली हम लोग उस लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पर तार्जन डी वंडर कार फिल्म की शूटिंग की एक सीन को शूट किया गया था। तो अभी आप सभी लोग देख सकते हैं राबेरी गेट और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ उधर आप देख सकते हो आप लिखा है रसायनी, वही रसायनी स्टेशन। और इस जो यहाँ पर ये जो बैरिडोर है बैरिगेट है यहाँ पर जब उधर से दिखा दीजिए जब उधर से मुकेश तिवारी की कार यहाँ पर आती है जब ये बैरिगेट बंद रहता है तो उसके बाद पीछे से तार्जन की कार आती है और उसे टक्कर मारती है। और फिर उसके बाद जब इधर से ट्रेन जाती है आप लोग देख सकते हैं मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दे रहा हूँ, जब इधर से ट्रेन आती है तो मुकेश तिवारी की कार को जब पीछे से तार्जन वाली कार मारती है धक्का तो इस पर स्क्रैच करके पूरी इसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और इसी सीन को इस लोकेशन पे शूट किया गया था। तो देख सकते हैं यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है, यहाँ पर भीड़ भाड़ एरिया जैसा नहीं है और यहाँ पर काफ़ी खाली एरिया है तो इसीलिए यहाँ पर इस फिल्म को शूट किया गया था। आप सभी लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एरिया है। तो मैं ये दिखाना चाहता था आपको इस ब्लॉग के माध्यम से कि इस जगह पर तार्जन डी वंडर कार फिल्म की एक सीन को शूट किया गया था। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।